गुड मॉर्निंग क्लास, माय सर श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है मेल ऑर्डर। मैंने पढ़ाया था एडवांटेजेस टू बिजनेसमैन। मेल ऑर्डर के क्या एडवांटेजेस हैं बिजनेसमैन के लिए। सबसे पहला है, इसमें लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में बहुत ही थोड़ी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा गुड्स को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम थोड़ी सी कैपिटल से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। शॉप एंड डिस्प्ले एक्सपेंडिचर, देयर इज़ नो ओवरहेड एक्सपेंसेस इन द मेल ऑर्डर बिजनेस, देयर इज़ नो नीड ऑफ शॉप। यहाँ पे शॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब शॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपको किसी भी चीज़ों को डेकोरेट करने या उसको डिस्प्ले करने का जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। नो बैड डेब्ट्स, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश बेसिस होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ बैड डेब्ट्स के डेंजर कम हो जाते हैं। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ये जो बिज़नेस होता है ये काफ़ी वाइड स्कोप पे होता है, इसलिए इस बिज़नेस को हम बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ द मिडलमैन, इसमें मिडलमैन का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में होती हैं। हाई प्रॉफिट, यहाँ पे लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, मतलब कि जो बिज़नेस स्टार्ट होता है वो काफ़ी कम कैपिटल से होता है, और इसमें जो प्रॉफिट होता है उसकी मार्जिन बहुत ज़्यादा होती है। अब ये तो एडवांटेजेस था बिजनेसमैन के लिए। अब दूसरा एडवांटेजेस कस्टमर को है। कस्टमर को कौन कौन सा एडवांटेजेस होता है? फर्स्ट है द कस्टमर गेट द गुड्स एट देयर होम। कस्टमर को चीज़ें घर पे मिल जाती हैं, उनको इसके लिए मार्केट में जाके चीज़ों को परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड है द कस्टमर कैन मेक अ सिलेक्शन ऑफ गुड्स इन देयर फ्री टाइम। जब हम फ्री होते हैं तो हम चीज़ों को पसंद करते हैं, उसकी प्राइस लिस्ट हमारे सामने होती है तो बहुत ही ईजिली हम चीज़ों को पसंद कर सकते हैं। थर्ड है द कस्टमर कैन परचेज इवन दोज गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द शॉप, ऑफिस, टाउन और विलेज। कस्टमर केवल उन्हीं चीज़ों को पसंद करता है जो कि उस टाउन या विलेज की शॉप पे नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, इन सच टाइप्स ऑफ बिजनेस द कस्टमर फील डैट गुड्स आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती हैं। नेक्स्ट है, बैड हैबिट्स ऑफ द परचेजिंग ऑन क्रेडिट इज़ नॉट डेवलप इन द कस्टमर। इसमें जो एक गलत आदत होती है चीज़ों को उधार खरीदने की, वो चीज़ें कस्टमर के पास से हट जाती हैं, उसको यहाँ पे बढ़ावा नहीं मिलता क्योंकि ये कैश बेसिस होती हैं। नेक्स्ट है, दिया इज सफिशियंट टाइम्स लैग बिटवीन द प्लेसिंग ऑर्डर एंड द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मीन वाइल द कस्टमर कैन मेक अरेंजमेंट ऑफ मनी। इसमें क्या होता है, हमें सफिशियंट टाइम मिलता है चीज़ों को ऑर्डर करके उसे लेने तक में, तो कस्टमर अपने पैसे को भी बहुत आसानी से अरेंज कर सकता है। नेक्स्ट है, द कस्टमर गेट्स गुड्स ऑन द रिड्यूस रेट ड्यू टू द लेस ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड एलिमिनेशन ऑफ द मिडलमैन। इसमें मिडलमैन जो होता है वो पूरी तरीके से हट जाता है। अब चूंकि इससे कुछ एडवांटेजेस हैं तो इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट है, द कस्टमर डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी फॉर परचेसिंग गुड आफ्टर द वेरीफिकेशन। इसमें कस्टमर को वेरीफाई करके गुड्स खरीदने की चॉइस नहीं रहती है। सेकेंड है, देयर इज़ नो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर। सेलर और बायर के साथ आपका पर्सनली कॉन्टैक्ट नहीं होता है, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो हम मंगवाते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग डिसीव्ड बाय द फ्रॉड बिजनेसमैन इन दिस सिस्टम। इसमें फ्रॉड की चांसेस ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो क्रेडिट फैसिलिटी इन दिस टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड दिस इज द मेन रीज़न फॉर लेस सेल्स। इसमें क्रेडिट की अपॉर्चुनिटी बहुत कम रहती है, इसलिए इसका जो सेल्स होता है वो काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट है, मस्ट टाइम इज़ वेस्टेड इन रिसीविंग द गुड्स। बहुत अधिक समय हमें गुड्स को रिसीव करने में वेस्ट करना पड़ता है। अगर हमें किसी चीज़ की तुरंत ज़रूरत है, इमिडिएटली रिक्वायरमेंट है, तो हम उसे नहीं फुलफिल कर पाते हैं। नेक्स्ट है, ओनली एजुकेटेड कस्टमर, जो कस्टमर एजुकेटेड होते हैं केवल वही इस बिजनेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ एनी कस्टमर वॉन्ट एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ही हैज़ टू इंडल हिमसेल्फ इन अ एक्स्ट्रा कॉरेस्पॉन्डेंस विच टेक अ लॉट ऑफ टाइम मनी एंड एनर्जी। यदि हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अधिक जानकारी चाहिए तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा टाइम खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट है, द नंबर्स ऑफ कस्टमर आर लेस इन दिस टाइप्स ऑफ बिजनेस बिकॉज द कस्टमर इज मोर इन्फ्लुएंस बाय लुक ऑफ द गुड्स इन द कंपैरिजन टू डेटा एडवर्टीजमेंट। इसके बाद बहुत अधिक कस्टमर इसमें नहीं जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेलर टू टेक केयर ऑफ द टेस्ट ऑफ द कस्टमर। जो कस्टमर का टेस्ट होता है वो सेलर तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। ये जो होता है, नेक्स्ट है, ये सिस्टम जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसके बाद, ड्यू टू द अबव मेंशन डिसएडवांटेज दिस सिस्टम इज बिजनेस इज़ नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया। यही रीज़न है कि इंडिया में ये बिज़नेस बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है। फॉर द सक्सेस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ बिजनेस टू कंडीशन आर रिक्वायर्ड। इसके बिज़नेस में दो कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि बिज़नेस सक्सेस हो सके। पहला है कि गुड करेक्टर एंड हॉनेस्टी ऑफ सेलर। जो सेलर हो वो गुड्स का करेक्टर अच्छा हो, हॉनेस्ट हो। एंड सेकेंड है, एजुकेटेड एंड वेल टू द कंज्यूमर। और जो कंज्यूमर हो वो एजुकेटेड हो और वेल एजुकेटेड पर्सन हो।
आप देखो, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स आर नॉट सुटेबल फॉर मेल ऑर्डर। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेल ऑर्डर के द्वारा सुटेबल नहीं होती हैं, जैसे गुड्स शुड बी द प्रेफर्ड लाइट इन अ वेट, जो लाइट वेट की चीज़ें होती हैं उन्हीं को हम मंगवा सकते हैं। गुड्स शुड बी वेल नोन एंड इन रेगुलर डिमांड, जो रेगुलर डिमांड में हो उन्हीं को हम मंगा सकते हैं। गुड्स शुड बी द कैपेबल ऑफ ईजी एडवर्टीजमेंट, जिनका एडवर्टीजमेंट ईजिली होता है उन्हीं को हम मंगवाने का काम करते हैं। अब आता है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इस्टेब्लिश एंड रन ऑन अ लार्ज स्केल। ये एक ऐसी मार्केट है जो लार्ज स्केल पे रन कर रही है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ रिटेल ट्रेड ऑर्गेनाइज ऑन अ लार्ज स्केल लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंटल। ये एज अ डिपार्टमेंटल स्टोर की तरीके होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है, दे आर ऑपरेटेड ऑन सेल्फ सर्विस। ये सेल्फ सर्विस पे ऑपरेट करते हैं। इनिशियली द सुपर मार्केट सोल्ड एनी इटेबल्स सच एज द ब्रेड, फ्रूट एक्सेट्रा, बट एज दे बिकम पॉपुलर दे स्टार्टेड सेलिंग ऑल काइंड ऑफ कंज्यूमर गुड्स सच एज द क्लॉथ, कॉस्मेटिक, शूज, वॉचेस एक्सेट्रा। दिस इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्बिनेशन स्टोर। यहाँ पर हर चीज़ें मिलती है, इसी वजह से हम इसे कॉम्बिनेशन स्टोर के नाम से भी जानते हैं। द गुड्स आर केप्ट इन अ पैकेट इन अ ओपन अर्मिला। ये एक अलमारी में पैकेट में रखी होती हैं। कस्टमर खुद ही जाके वहाँ से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग की चीज़ों को लेता है और कैश काउंटर पे जाके उसकी बिलिंग करवाता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुपर मार्केट इज़ डन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर के तरीके ही ये वर्क करता है। सेकेंड है, सुपर मार्केट आर इस्टेब्लिश और सेटअप इन अ बिग टाउन एंड सिटीज़। थर्ड है, मेनली इटेबल्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट आर सोल्ड इन अ सुपर मार्केट। जनरली इटेबल यानी खाने योग्य जो चीज़ें होती, वस्तुएं होती, उन्हीं को सुपर मार्केट में सोल्ड होता है। नेक्स्ट है, कस्टमर जो होता है फुल लिबर्टी होती है उसके पास किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने की। दे आर रन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ सर्विस। ये सेल्फ सर्विस पे डिपेंड होता है और सेल्स आर मेड ओनली कैश। एडवांटेजेस क्या हैं, चीपर गुड्स। जहाँ जो सुपर मार्केट होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्समैन वगैरह अपॉइंटमेंट नहीं होते, इसलिए यहाँ पे बहुत ही जिसका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। मोर सेल, द सुपर मार्केट हैव इंक्रीज सेल बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स ऑफ द वेरियस क्वालिटी एट वन प्लेस एंड इट्स रीजनेबल प्राइस। इनकी जो प्राइस होती है वो बहुत ही रीजनेबल होती है। मोर प्रॉफिट होता है इसमें, इसमें जो सेल्स होता है वो बहुत ही प्रॉफिट देता है। नेक्स्ट है, लिबर्टी ऑफ चॉइस। इसमें जो कस्टमर होता है उसको पूरी अपॉर्चुनिटी होती है अपनी चीज़ों को सेलेक्ट करने की। नो बैड डेब्ट्स, नेक्स्ट इसका हेडिंग है। इसमें बैड डेब्ट्स की संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि जो भी चीज़ें ली जाती हैं वो कैश ली जाती हैं। नेक्स्ट है, नो बार्गेनिंग। यहाँ पे हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, सीधे जो प्राइजेस है उसी प्राइजेस पे हमें सामान खरीदना है। नेक्स्ट है, एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये जो बिजनेस होता है ये उन बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा होता है जिनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे है। इंटायर फूड नीड्स एट वन स्टोर। यहाँ पे जो भी चीज़ें सुपरमार्केट के अंदर है बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ शॉपिंग करना बहुत ही कन्वीनियंस होता है, एक ही छत के नीचे हमें सारी फूड से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। अब अगर इनके कुछ एडवांटेज हैं तो इनके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। पहला क्या है, मोर कैपिटल। इस तरह की मार्केट में बहुत ह्यूज कैपिटल, बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत होती है, जो कि एक ऑर्डनरी बिजनेसमैन इसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। प्रॉपर प्लेस सेकेंड है। यहाँ पे सुपरमार्केट की सक्सेस तभी हो सकती है जब ये एक प्रॉपर प्लेस पे खुले। जो भी आपकी सिटी का मेन जगह है वहाँ पे ही ये खुले, तभी ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो सकता है। नॉट प्रॉपर फॉर नॉन कंज्यूमर गुड्स। सुपरमार्केट जो होता है वो नॉट फिट फॉर डीलिंग इन अ नॉन कंज्यूमर गुड्स। लिमिटेड आर्टिकल्स, यहाँ पे हम लिमिटेड आर्टिकल्स को ही अपने यहाँ रखते हैं। अब आता है नेक्स्ट थेफ्ट। यहाँ पे चोरी की चीज़ों की जो कस्टमर होता है वो काफ़ी चीज़ों को चोरी करने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। अब कुछ लिमिटेशन है सुपरमार्केट की। सुपरमार्केट हैव वाइड ग्रोथ पॉसिबिलिटी फॉर द फ्यूचर, दे आर सर्टेन सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ देयर ग्रोथ। इसकी पॉसिबिलिटी तो फ्यूचर में बहुत है, लेकिन कुछ इसकी ग्रोथ पे लिमिटेशन है। फर्स्ट, दे रिक्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। एक्सपेंशन ऑफ अ सुपर मार्केट मे नॉट बी फेसेबल टू एरिया हैविंग अ स्मॉल पॉपुलेशन। द सेकेंड प्रॉब्लम फॉर द सुपर मार्केट इज डैट राइजिंग द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। इसके जो ऑपरेशन की कॉस्ट होते हैं बहुत अधिक होती है। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन नीड मोर एक्सपेंसिव स्टोर बिल्डिंग, लॉन्गर स्टोर हाउसेज, हायर प्रमोशनल एक्सपेंसिस। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें बहुत अधिक खर्चा करना पड़ता है। एनी फर्दर राइज इन द कॉस्ट में प्रूव इंजूरियस टू द एक्सपेंशन ऑफ सुपर मार्केट। यही सब रीज़न है जिसकी वजह से सुपर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला है। अब इसके बाद आता है आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। ये क्या होती है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर? बच्चों, इसे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।